आज मैं मेथी और पालक की सब्जी ऑथेंटिक तरीके से बनाने जा रही हूँ। इसे आप बाजरा, ज्वार, गेहूँ और मक्के की रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर रेसिपी है। तो बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई या फिर पैन में 2 छोटा चम्मच ऑयल ऐड करें। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करें। साथ में 1 छोटा चम्मच अदरक और हरी मिर्च भी ऐड करें। दोनों को अच्छी तरह से भून लेना है। हल्का सा भून लेने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून हरा प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा बारीक कटा हुआ डालकर हल्का सा भून लें। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखिए। उसके बाद इसमें 200 ग्राम पालक, 200 ग्राम मेथी के पत्ते, 200 ग्राम हरा वाला प्याज और 50 ग्राम अजवाइन के पत्ते को अच्छी तरह से साफ करके 2 बार पानी से धोकर बारीक टुकड़ों में काटकर ऐड करें। ध्यान रखें कि हमें यहाँ पर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखकर इसे 1 मिनट खुले में पकने देना है। एक मिनट के बाद इसमें 1 बड़ा साइज का टमाटर बारीक टुकड़ों में काटकर ऐड करें। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद इसका ढक्कन लगाकर इसे 1 मिनट पकने देंगे। यहाँ पर हमें पूरा ढक्कन इसका नहीं लगाना है, थोड़ा सा खुला ही रखना है। 1 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उसके बाद इसे फिर से ढक दे और इसे 1 मिनट के लिए पकने दे। 1 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटा दे। अभी सब्जी में से थोड़ा थोड़ा पानी छूटने लगा है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। पत्तों वाली सब्जी में पहले ही से नमक होता है, इसलिए यहाँ पर नमक थोड़ा सा कम ही ऐड करेंगे। पत्तों वाली सब्जी को कभी भी हमें देर तक नहीं पकानी चाहिए और ढककर भी नहीं पकानी चाहिए। ढककर पकाने से इसका कलर और टेक्सचर दोनों चेंज हो जाता है। इसके लिए इसे खुले में ही पकने दें। नमक डालने के बाद पानी इसमें से थोड़ा थोड़ा रिलीज होने लगा है, तो इस पानी को अभी थोड़ा सा सूखने देना है। पानी जब आधा से अधिक सूख जाए, इसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल ऐड करें। उसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी साग के अंदर जितना भी पानी है उसके सूखने तक इसे पका लेना है। इसके अंदर का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे एक बोल में निकाल लें। इसे ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी या फिर मक्के की रोटी के साथ सर्व करें।
इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें। ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।